कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा के बाद से सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसको लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। दीदी ने बीजेपी को चेताते हुए कहा कि तुम लोगों का नसीब अच्छा है कि मैं शांत बैठी हूँ, वरना तो मैं एक सेकंड में बीजेपी दफ्तर और तुम्हारे घरों पर कब्जा कर सकती हूँ। ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह क्या भगवान है जो उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रोड शो पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ईंट और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरी रैली के दौरान दो जगहों पर अशांति पैदा की गई। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की और हम पर ईंट पत्थर फेंके। तो वही अमित शाह के रोड शो में कथित पथराव के बाद कॉलेज स्ट्रीट के पास हंगामा भड़क उठा और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रोड शो पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ईंट और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।